हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप बहुत सारे लोग हैं जो कि ये पूछते हैं कि हम अगर हमारी गेम या ऐप एक लाख डाउनलोड्स लेकर आती है तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं अपने ऐप से, एड्स के ज़रिए, यूनिटी एड्स के ज़रिए या एडमोब के ज़रिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप हाउ मच मनी यू कैन मेक बाय गेटिंग द 100K डाउनलोड्स फॉर योर ऐप और गेम। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हाउ मच मनी यू मेक फ्रॉम 100K installs और 1 million install for your app or game। असल में ये चीज़ डिपेंड करती है कि कितने डाउनलोड्स हैं आपकी गेम के, आपकी ऐप के, लेकिन इससे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि हाउ मच इम्प्रेशंस योर ऐप आर गेम इज मेकिंग पर डे। असल में आपकी गेम या ऐप जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लोग खेल रहे हैं, जिसके साथ लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं डाउनलोड करने के बाद, तो वो गेम या ऐप आपके लिए हर दिन कितने इम्प्रेशन क्रिएट कर रही है। सपोज़ हम एडमोब को लेते हैं, एडमोब के अंदर आप कितने इम्प्रेशन से कितने पैसे कमा सकते हो। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, कितनी आपकी गेम की रिटेंशन है। असल में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये है कि इम्प्रेशन कितने हैं, किस कंट्री से हैं, और दूसरी चीज़ जो है, और यूज़र का स्टे रेट कितना है, आपकी गेम के डाउनलोड्स कितने हैं। ऑल दिस थिंग मैटर टू मेक द मनी फ्रॉम द गेम्स एंड ऐप्स। अच्छा, अगर सपोज़ कर लें कि एक गेम है जिसके डाउनलोड्स हैं जी 1000 पर डे, ठीक है जी। अच्छा, एक और गेम है, दूसरी गेम है जिसके डाउनलोड्स हैं 100 इज इक्वल टू पर डे, ठीक है जी, पर डे 100। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, अगर हम सपोज करें कि वन गेम जो है वो 100 1000 डाउनलोड के साथ आपको एड मोब से इम्प्रेशन क्रिएट करती है, वो हैं 10000। मतलब के हर बंदा, अगर पर यूज़र हम हिसाब लगाएं, डिवाइड करें इसको, सॉरी 10000 को, तो मीन्स 1000 इज इक्वल टू 10। मतलब के 10 इम्प्रेशन पर यूज़र दे रहा है आपको। और इसमें अब चीज़ें जो मैटर करेंगी, 10000 इम्प्रेशंस आर इनफ इम्प्रेशन फॉर इफ़ यू आर फ्रॉम द डाउनलोड्स ऑफ 1000। अच्छा जी, दूसरी चीज़ यह है कि अगर अच्छा इसमें एक चीज़ यह है कि आपकी ये इम्प्रेशन किस कंट्री से आ रहे हैं। अगर USA से आ रहे हैं तो, अगर USA से आ रहे हैं
तो ये 10,000 इम्प्रेशन काफ़ी हैं टू मेक यू लाइक $20, $20 पर डे। ठीक है जी, अगर एक गेम है जी, दूसरी गेम है जी उसके 100 डाउनलोड्स हैं और वो आपको इम्प्रेशन दे रही है 10,000, और वो आपको दे रही है यूएसए से। अच्छा जी, यूएसए से दे रही है और वो आपको, सॉरी, वो आपको $30 दे रही है पर डे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यह हम यहाँ पे करते हैं, वो आपको, ये आपको 15,000 इम्प्रेशन दे रही है और आपको $30 दे रही है। अब फ़र्क ये है कि ये जो गेम है इसके 1,000 डाउनलोड्स हैं, एडबो इम्प्रेशन इसके 10,000 हैं, और पर यूज़र अगर हम इसका निकालें तो आपको 10 इम्प्रेशन मिल रहे हैं यूएसए से और $20 यू आर मेकिंग। अब ये गेम जो है ये क्यों ज़्यादा कमा रही है, क्यों ज़्यादा क्रिएट कर रही है, क्यों ज़्यादा इम्प्रेशन क्रिएट कर रही है? उसकी वजह ये हो सकती है, अगर आपकी गेम एक है जिसके 1,000 डाउनलोड्स हैं और उसके उसी दिन सेम डे अन इंस्टॉल आपके 900 आ जाते हैं, इट्स मीन के वो गेम इतना अच्छा नहीं है, यूज़र रिटेंशन नहीं है, और जिसकी वजह से आपकी गेम लोग खेलते तो हैं लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं रखते, उसको डिलीट कर देते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। और दूसरी ही गेम है जिसके 100 डाउनलोड्स हैं और वो गेम अच्छा है और इसके रिटेंशन भी अच्छी है, यूज़र इसको अपने मोबाइल के अंदर रखता है कुछ दिनों के लिए और कंटिन्यू खेलता है। अगर हम हिसाब लगाएं इसके, दूसरी जो गेम है, दूसरी गेम जो है इसके अनइंस्टॉल जो आते हैं वो हैं जी 30, 30 अनइंस्टॉल एवरी डे, एवरी डे। ठीक है जी, इट्स मीन के नेक्स्ट डे अगर ये गेम 100 डाउनलोड्स फर्दर लेती है तो 30 अनइंस्टॉल हम फिर एस्टिमेटेड लगाते हैं, तो इसके टोटल जो इसके जो टोटल एक्टिव डिवाइसेस जो होंगी वो बन जाएगी 140। एंड डे बाय डे दिस गेम विल लाइक इसके एक्टिव डिवाइसेस जो हो जाएंगी वो 10,000 तक पहुंच जाती हैं। अच्छा, अब 10,000 तक जब इसकी एक्टिव डिवाइसेस पहुंच जाती हैं, इसका यूज़र रिटेंशन अच्छा है, यूज़र स्टे रेट अच्छा है, लोग खेल ज़्यादा रहे हैं, इसकी अर्निंग अच्छी आ रही है, तो ऑटोमेटिकली गूगल इसकी रैंकिंग को बढ़ा देगा। और यही गेम इसके डेली आपको 900 800 अनइंस्टॉल मिलते हैं, नेक्स्ट डे जितने ज़्यादा इंस्टॉल मिलते हैं उतना अच्छा इम्प्रेशन है, जितने ज़्यादा बैड जितने ज़्यादा अनइंस्टॉल मिलते हैं उसका बैड इम्प्रेशन जाता है। और यही चीज़ अगर जितने कम डाउनलोड्स मिलते हैं उसके उसका बैड इम्प्रेशन है, बट अगर उसके अनइंस्टॉल कम होते हैं तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन है, तो गूगल उसको ऑटोमेटिकली रैंक करवा देगा और ग्रेजुअली दैट गेम विल गेट इन द हाई रैंक एंड विल ड्राइव मोर डाउनलोड्स टू मेक मोर मनी फॉर यू फ्रॉम द एड्स, फ्रॉम द इन एप्स, एवरीथिंग। और दूसरी चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि डाउनलोड्स मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं बट उस हद तक मैटर नहीं करते, जिस तरह मैंने एग्जांपल से आपको पता चल गया है कि 100 डाउनलोड्स के साथ आप $30 बना सकते हो अगर आपका गेम अच्छा है, और किस कंट्री से अगर आपका अगर आपको इम्प्रेशन जो मिलते हैं वो आपको यूएसए से मिलते हैं, यूके से मिलते हैं, जर्मनी से मिलते हैं,
ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं, कनाडा से मिलते हैं, आपको इटली से मिलते हैं, आपको स्पेन से मिलते हैं, फ्रांस से मिलते हैं। तो इन कंट्रीज जहाँ पे मतलब के डॉलर या यूरो चलता है, तो वो कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और दूसरे एक गेम जो है जिसके 10,000 डाउनलोड्स हैं, बट उसके इम्प्रेशन पाकिस्तान से हैं, अगर उसके इम्प्रेशन इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या अफगानिस्तान से हैं, तो वो आपको चाहे वो आपको 50,000 इम्प्रेशन क्रिएट करिए, तो आप उससे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नहीं कमा सकते। अगर 50,000 का आप कंपैरिजन करें इन दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जिनकी करेंसी अच्छी है, तो उसमें ये होगा कि आपको अगर आप मतलब कंपैरिजन करते हैं, तो उसका कंपैरिजन ये होगा कि वहाँ से आपको 90% रेवेन्यू मिलेगा और 10% आपको इन कंट्री से मिलेगा। तो ये कंपैरिजन होगा एक्चुअली। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ कि 100K डाउनलोड्स आर नॉट इनफ टू मेक द मनी, बट इवन द 10,000 डाउनलोड्स आर इनफ टू मेक द मनी यू मेक फ्रॉम द 100K डाउनलोड्स। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर गेम क्वालिटी, योर यूज़र रिटेंशन, द इम्प्रेशन यू गेट फ्रॉम द कंट्रीज, द करेंसी ऑफ द कंट्री, एंड हाउ मैनी क्लिक्स आर देयर, एंड हाउ मैनी इम्प्रेशंस आर देयर इन योर गेम यू आर जनरेटिंग फ्रॉम द एड्स, एंड वट इज़ द CTR। CTR क्या होता है? CTR एक्चुअली क्लिक थ्रू रेट है, कि एक क्लिक पर आपको कितने पैसे मिलते हैं, कितने सेंट मिलते हैं, कितने डॉलर मिलते हैं। असल में दूसरी चीज़ ये होती है, RPM होता है, रेवेन्यू पर मिली। और अगर आप रेवेन्यू पर मिली ऑफ इम्प्रेशन, अगर आपकी एक गेम जो है वो 2,000 इम्प्रेशन क्रिएट करती है, तो उसका RPM क्या होगा वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी आपको अपना एड मोब दिखाता हूँ जिसमें एक गेम थी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो गेम ने कितना बनाया है, कितने टाइम में, और क्या क्या उसके स्टैट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी गेम थी स्कूल गर्ल के नाम से। अच्छा, इसमें यूनाइटेड स्टेट से, अब आप तफसील से देख सकते हैं, डिटेल से देख सकते हैं, इंटरस्टिशियल एड था यूनाइटेड स्टेट से। इसने 3,358 इम्प्रेशन दिए और क्लिक्स कितने आए, 175, और मैच रेट क्या है जी, 99.6। इम्प्रेशन CTR क्या है जी, 5. इम्प्रेशन CTR, असल में ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, तो मैं आपको ज़रा बता दूँ, क्लिक थ्रू रेट, परसेंट इज़ द नंबर ऑफ एड क्लिक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एड इम्प्रेशन, के जो आपके क्लिक्स हैं उसको आपने टोटल इम्प्रेशन से वो करना है। सॉरी, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज अगेन, एक्चुअली आई हैव मेड सम चेंज टू लेट यू नो अबाउट द थिंग्स टू शो यू इन डिटेल। अभी ये गेम हमने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, तो मैं इसकी आपको ऑल टाइम अर्निंग दिखाता हूँ। ये 21 की अर्निंग है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करता हूँ,
ये ख़त्म कर देता हूँ। क्लिक्स ले लेते हैं हम। इम्प्रेशंस, हाँ सॉरी इम्प्रेशन हमने रखने थे। अच्छा हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कितने क्लिक्स हैं यूनाइटेड से। अब आपने फ़र्क जो मैंने चीज़ें आपको पहले एक्सप्लेनेशन दी है जिन चीज़ों की, वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या फ़र्क है इन सब चीज़ों में। एंड लेट मी शो रेट, मैच रेट, ECPM, इम्प्रेशन CTR, एड मोव रिक्वेस्ट। अच्छा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन डिटेल कि यूनाइटेड स्टेट में 48.4 और 203 क्लिक्स हैं, और इम्प्रेशंस टोटल कितने हैं यूनाइटेड स्टेट से, 8,279। और मैच रेट क्या है जी, शो रेट जो है वो ये था और मैच रेट ये था, और इसी भी हम देखें इस भी हम का फ़र्क। और टोटल एडमोब रिक्वेस्ट कितनी थी और एडमोब नेटवर्क रिक्वेस्ट RPM कितना था रेवेन्यू पर मिली। अच्छा जी, मतलब कि आप को 4.7 पर 1,000 रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको इतने डॉलर मिले। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं इंडोनेशिया, 309 क्लिक्स, 20,000 इम्प्रेशन, और मैच रेट इसका, शो रेट इसका ज़्यादा है और मैच रेट कम है। और आप ECPM का यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ECPM है, और एडमोब रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं। अच्छा जापान से सिर्फ 28 क्लिक्स और टोटल इम्प्रेशन कितने हैं 1,500 एंड $16 एंड विच आर रियली ग्रेट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू। अच्छा यहाँ पे आपको काफ़ी रेवेन्यू, क्योंकि इनकी जो है इकोनॉमी जापान की काफ़ी अच्छी है तो वहाँ से आपको अच्छा रेवेन्यू मिलता है। मलेशिया में आपको 71, और ये ठीक है, ये नॉर्मल है, बहरहाल इट बेटर देन द इंडोनेशिया। ब्राज़ील से आपको 170 क्लिक्स, 8,000 इम्प्रेशन। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करें ब्राज़ील का और यूनाइटेड स्टेट का, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं लेकिन इसके इम्प्रेशन सेम हैं, तकरीबन सेम हैं, और शो रेट भी सेम है, और मैच रेट कम है, और ECPM एक्चुअली ECPM इज़ वेरी लेस देन द यूनाइटेड स्टेट, सो दैट्स वाई दिस कंट्री इज़ नॉट जनरेटिंग द रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर गेम्स। ताइवान से ठीक है, जर्मनी से अच्छा है, ठीक है, कनाडा से भी ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम से ठीक है, क्लिक्स के हिसाब से, इम्प्रेशन के हिसाब से चीज़ें ठीक है, हांगकांग। अच्छा ये मतलब आपको सारी तफसील मैंने दिखा दी है, आप देख सकते हैं डिटेल में, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपसे नहीं छुपी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन मेक मोर मनी बाय यूजिंग डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एड्स इन योर गेम्स ऑफ एडमोब एंड यूनिटी, एंड यू विल बी लाइक मेकिंग
टू टाइम्स मोर मनी देन योर करंट रेवन्यू यू आर मेकिंग फ्रॉम द एड्स एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू हैव गॉट समथिंग टू लर्न इन दिस वीडियो एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सच inform make such videos for your knowledge and to improve the things you really need to do or you really need to do implement in your games and apps and you really need to make the money more money than your current money you are making from your games and apps. So I would love to help you and thank you so much. Please do share, do please do like and comment and subscribe my channel. I will not ask you to share the to share my video because I have not enough stuff of videos on my YouTube channel, but I will keep continue making such such videos for your knowledge. And if you will support me by subscribing my channel and by doing likes and by watching other videos also, if you want to watch and you will learn something also from the other videos, thank you so much. And I hope you will subscribe my channel also. Thank you so much.